Hello, good afternoon, namaste, sat sri akal and assalamu alaikum to the beautiful family of our Facebook. Hi. I hope you all are fit, healthy and happy. Thank you so much for being live. Thank you so much for liking us. Thank you so much for giving thumbs up. And thank you so much for giving huge number of shares. Dear parents who are watching this video for the first time, would just like to tell you our aim behind is to make each parent a happy parent, each child a happy child, because our parents coach Mrs Preeti Kwatra always says that only a happy parent can nurture a happy child. So we'll be live every few days so that we reach you guys, so that we reach your minds, and so that you live beautifully with your tiny thoughts. And yes, we talk about today's topic, which is about food. I mean, I love food. Food ki baat aati hai ma'am to automatically na ek I feel me ko ek khushi si hoti hai, and undoubtedly food is one thing jo aapko khush kar sakta hai and food is one thing jo aapko udaas kar sakta hai. Like if किसी के घर बॉटल कॉट बना हो तो ऑब्वियसली वो उदास हो जाता है, और किसी के घर राजमा राइस तो दे आर हैप्पी. सो फूड इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ, स्पेशली ऑल एज ग्रुप. इफ आई टॉक अबाउट टॉडलर, इफ आई टॉक अबाउट टीनेजर, इफ आई टॉक अबाउट आर सेल्फ, वी आर ग्रोन अप इंडिविजुअल्स. वी नो कि अगर हमने सैटरडे संडे जंक खाया, हेल्दी खाया, आई मीन टू से जंक में अगर हमने पिज्ज़ा पास्ता खाया, तो वीकेंड में वी कैन कवर इट अप विद ग्रीन वेजिटेबल्स, विद लाइट फूड. बट द कंसर्न हियर इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स विद आवर चिल्ड्रन. लॉट ऑफ पेरेंट्स व्हेन वी कम अक्रॉस दे हैव लॉट ऑफ क्वेरी, स्पेशली जो आज की जनरेशन हमारे पास एडमिशन के लिए आ रही है, सिंस थैंक्स टू इंटरनेट बिकॉज ऑफ द आईपैड्स हमारी यंग जनरेशन को ऑलमोस्ट सिलेबस कवर्ड है. दे नो द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट दे हैव नॉट लर्न थ्रू दैट आईपैड how to eat right and how to eat healthy. So lot of parents, especially ma'am, when they come for admission, their concern is, ma'am, bas aap khana sikha dijiye mere bacche ko, khana nahi khata mera bachcha. So here we are with our parenting coach Mrs Preeti Kwatra, director of Petals Group of School. Ma'am, bahut sare parents ki hame daily routine mein concerns aate hain khane ko lekar, खाना खाता नहीं है, ढाई साल का बच्चा मिक्सी में हम ग्राइंड करते हैं उनका फूड, और जब स्कूल में वो आता है हम उसको नॉर्मल रोटी भी खिला देते हैं, लेकिन घर जाके फिर वो मिक्सी वाला ही खाता है. एब्सोल्युटली. देयर आर किड्स हु आर 4 ईयर ओल्ड एंड दे आर स्टिल ऑन मदर्स फीड, दे आर नॉट लीविंग इट. एंड देयर आर किड्स हु डोंट ईट एट ऑल, वो सिर्फ दूध पे ही है, 3 टाइम दे ड्रिंक मिल्क ओनली. मैम, हाउ कैन अ पेरेंट हेल्प देयर चाइल्ड? हमेशा डर लगा रहता है एज अ पेरेंट, आई होप यू विल एग्री विद मी, कि पता नहीं मेरे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पता नहीं मेरे बच्चे के अंदर जो भी मैं डाल रही हूँ उसमें वाइटामिन डी की कमी तो नहीं है, वो हेल्दी है कि नहीं है. सो वी आर लुकिंग आउट फॉर आंसर फ्रॉम यू मैम. राइट, एब्सोल्युटली राइट. हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून. योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू. आपने बोला मेरा बच्चा खाता नहीं है, बच्चा तो खाता है बट जितना आप सोचते हो उतना नहीं खाता. ओके, राइट. बच्चा तो खाता है, अभी आप उसके सामने चीटोस रख दो, अभी आप उसके सामने बनाना रख दो, ही ईट्स, राइट. अभी आप उसके सामने चपाती और सब्जी रख दो, माइट बी ही विल नॉट ईट दैट मच, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड ईट्स बट चाइल्ड डोंट नो हाउ मच टू ईट, राइट. इसी तरह मदर को लगता है कि हमें सब पता है, तो आज की डेट में क्या होता है, थोड़ा सा और खा ले. अच्छा, आईपैड देखते हुए उसके पीछे से आता है, कई बार एरोप्लेन बन के रोटी मुंह में जाती है, ठीक है ना, और कई बार स्टोरी सुनाते हुए रोटी मुंह में जाती है, कई बार हम मेट को डांट देते कि तुमने इसको पूरा बाउल फिनिश कराना है, हम ग्राइंड करके दे देते कि इसी बहाने दो रोटी इसके अंदर चले. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सब हैबिट्स की वजह से हम उसको ओवर ईटिंग की हैबिट डाल रहे हैं. आजकल के बच्चे स्क्रीन के साथ खाना खाते हैं जिससे ओवर ईटिंग होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं. प्लस इसी बहाने मम्मी ने आईपैड दे रखा है. हम कहीं ट्रिप पे गए थे तो हमने देखा था वहाँ पे जो फूड मिला था, नोबडी वाज लाइकिंग इट बिकॉज पैक्ड फूड था वो, लेकिन उस मदर ने उस बच्चे के आगे उसको अपना फ़ोन दे दिया तो आराम से उसके मुँह में वो खाना डालती गई, और जैसे ही फूड फिनिश हो उसने मोबाइल ले लिया और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. दैट मीन्स बच्चे को नहीं पता मैं खा रहा हूँ,
पीछे से आ रही है बाइट और उसके मुंह के अंदर जा रही है, वो स्क्रीन में इंजॉय कर रहा है. ये सारी हैबिट्स गलत हैं जो आगे जाके ओवर ईटिंग और हेट्रेड टुवर्ड्स फूड डेवलप करती है. ना ही बच्चे को कभी ग्राइंड करके फूड दें. आपने बोला ब्रेस्ट फीड, येस अप टू सर्टन एक्सटेंट फॉर 3 मंथ इट इज़ वेरी हेल्दी इफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन ब्रेस्ट फीड राइट, एंड 1 ईयर तक इट इज़ ओके टू हैव, बट आफ्टर दैट सेमी सॉलिड एंड लिक्विड डाइट इज इक्वली गुड. बट ऐसा कहीं नहीं है कि उसको आपने एक्सपेंसिव फूड देना है, जैसे आप सैलड खाते हो वो मिक्स करके देना है. नो, एब्सोल्युटली नो फॉर दिस. बट ट्राई टू मेक अ स्केड्यूल, गिव हिम 3 meals and 2 snacks. अगर आप इस टाइम उसको ऑप्शंस देते हो, 3 meal के टाइम आप ऑप्शंस देते हो, 2 meal के टाइम ऑप्शंस दे देते हो, तो उसको कभी भी एक तो फूड में गैप नहीं आएगा क्योंकि वो इस वजह से क्रैंकी हो जाता है. दूसरा, उसको ये पता है कि मेरे को इस टाइम स्टमक फुल हो गया है तो वो उसका जंक फूड पे ध्यान नहीं जाएगा. राइट आपने उसको 2 snacks दिए, आपने पीनट्स दे दिए या आपने उसको व्हाट यू कॉल दैट फ्राइज अपने घर में वो घर के अंदर फ्राई करके दे दिए तो उसको प्रॉब्लम नहीं. अगर आप फ्रेंच फ्राइज दे रहे हो, आउटसाइड पैक फूड दे रहे हो, यस इट इज अ प्रॉब्लम. राइट, अगर आप उसको हेल्दी मील ऑप्शंस घर पर ही दे रहे हो देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. और कुछ मदर्स कहती हैं कि हमारा बच्चा खाना खाते समय रोता बहुत है, खाना सामने आते हिज कप ऑफ रीजन मींग, या तो आपने उसको फोर सीटिंग से फूड से हेट्रेड डेवलप कर दिया, या फिर हो सकता है गैप इतना ज्यादा क्रिएट हो गया जिससे उसको गैस्ट्रिक हो रहा हो, या फिर उसको एसिडिटी हो रहा हो, या फिर उसको वॉमिटिंग फील हो रहा हो, बट वो बोल नहीं पाता. गैप तो देता ही नहीं है पेरेंट, ओवर ईटिंग भी खराब करता है. इसी से ओबेसिटी, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स देखें, इंडिया में 20% से ऊपर बच्चे ओबीस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं. रीजन भी बचपन में हमें लगता है कि हम ज्यादा खिला दें, बट प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे आपको पता चलता है कि आपका स्टमक ऑलमोस्ट फुल हो गया है, बच्चे को भी लगता है. और किड्स का ध्यान प्ले में ज्यादा होता है तो 70% फुल होने के बाद वो प्लेट छोड़ देते हैं. तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू ईट. एंड इट इज नॉट रिटन कि अगर आपका बच्चा एक बारी में 2 chapati या 1 chapati फिनिश करेगा तो ही वो हेल्दी रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. टिल द टाइम योर चाइल्ड इज एक्टिव, टिल द टाइम योर चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग दैट आई वॉन्ट समथिंग, इट इज ओके. इट इज ओके टू हैव अ लाइट फूड. राइट, सपोज आपने उसके आगे फूड रख दिया, तो आपने रखा कुछ सैलेड के वेजिटेबल रखा, कुछ चपाती रखा, राइस रखा, कुछ डिप्स रखा, उसने फूड खाया, जितना उसका मन था उसने सब खाया, लेकिन आप उसके साथ बैठे हो, उसने आपके कहने पे खा लिया. बट आप उसको बार बार अगर बोल रहे हो इसको फिनिश करो, ये बहुत ज़रूरी है, फिनिश करो, या तो वो उसको फूड छोड़ देगा, वो छोड़ देगा या वो कहेगा मुझे पता है मेरी टम्मी में कितना जाना है. आप ये डिसाइड करें व्हेन टू गिव एंड व्हाट टू गिव एंड हाउ मच टू ईट, लेट हिम डिसाइड. वो आपका कप ऑफ टी नहीं है, बिकॉज मेरे को कितनी भूख है मैं डिसाइड करूंगी. इसी तरह चाइल्ड ऑल्सो नोज इट कि उसको कितनी भूख है. और सपोज अगर आपने उसको न्यू फूड इंट्रोड्यूस करना है, एंड साइंस सेज, रिसर्च सेज, यू नीड टू इंट्रोड्यूस दैट फूड 16 times, बिकॉज उनके टेस्ट बर्ड्स अभी डेवलप नहीं हुए होते. तो 16 times जब आप उनकी फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, माइट बी दे विल लाइक इट और माइट बी दे वोंट. सम चिल्ड्रन हैव स्वीट टीथ, सम चिल्ड्रन लाइक स्पाइसी फूड, some children like salty food, some children like very light food, it is okay, some children genuinely like very spicy food, it is also okay. Right, कुरकुरे में उनको मिर्ची नहीं लगती, मैगी में नहीं लगती, but normal खाने में उनको मिर्ची लगती है. That's a fact. लेकिन still अगर बहुत फसी मदर ही कहूंगी मैं, फसी बच्चे नहीं होते, फिर भी आप चाहती हैं क्योंकि आप कॉन्शियस है कि बच्चा सैलेड्स खाए या बच्चा हेल्दी फूड खाए, तो यू कैन गिव इन वेराइटी. लाइक आपने कैरेट के थिन स्लाइसेस कर दिए, उसको आप कर्ड में डिप कर सकते हैं, आप उसको फ्रूट जैम में डिप कर सकते हैं, आप उसको हनी में डिप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर चॉकलेट का फ्लेवर दे सकते हैं, उसको उसके ऊपर चॉकलेट पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं, सो दैट चाइल्ड कैन हैव दैट सैलेड. बिकॉज बच्चे सबसे पहले फूड अपनी आईज से ईट करते हैं. आप देखिए आपके सामने कोई प्लेटर आता है तो वैसे ही हमारे को यू नो समथिंग एंजाइटी और यू नो लगता है बस अब खा लो इसको. तो किड्स ऑल्सो ईट लाइक दिस. आप उसको ब्यूटिफुली प्रेजेंट करें, कलरफुल प्रेजेंट करें, उसके ऊपर उसकी फेवरेट टॉपिंग्स स्प्रिंकल करें, सो दैट चाइल्ड वॉन्ट्स टू ईट. बट अगेन हाउ मच दैट लेट हिम डिसाइड कि उसने कितना खाना है. राइट, कि अगर आपने ये डिसाइड करा क्या देना है और कब देना है ये तो ठीक है. बट मैम क्या इस मेरे छोटे से बच्चे को पता है कि मुझे कितना खाना है? दे नो इट. सी 2-year-old से लगता है कि नहीं, उसको नहीं पता. क्यों? जब उसको ये पता है मुझे कब लू जाना है, जब उसको ये पता है कि अब मुझे मम्मा से पानी पीना है, जब उसको ये पता है मुझे मिल्क पीना है, तब उसको फूड भी पता है. एंड व्हाई टू फोर्स?
फोर्स से आप देखेंगे कभी भी फोर्स से स्मूथ रिलेशनशिप भी नहीं रहता, कनेक्ट भी खराब होता है, मील टाइम खराब हो जाता है. मुझे ऐसे लगता है कि इतना फोर्स होता है कि किड्स हैव स्टार्टेड हेटिंग फूड. दैट्स व्हाट ना, या तो ओवर ईटिंग की हैबिट बढ़ जाती है, ओबीस की तरफ चले जाते हैं, या हमारे बच्चे हेटेड की तरफ चले जाते हैं. और दूसरा एक और थर्ड प्रॉब्लम भी है, कई घरों में हमने देखा है आज की डेट में मदर्स अपनी डाइट को लेकर ओवर कॉन्शियस है. ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं दिस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ लिविंग, दिस इज हाउ दिस इज नॉर्मल लाइफ इज. तो एक एज के बाद बच्चे भी अपने फूड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं. हमने तो गर्ल्स यहाँ तक देखा है कि वो एनीमिक हो जाती हैं, और भी कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है अपनी डाइट कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज उन्होंने देखा है अगर हमारी फैमिली में ऐसा है तो इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ. बट आई सपोज एवरी फैमिली हैज अ डाइट कंट्रोल, दे माइट बी वेरी लेस बिकॉज़ every, I mean, try not to say diet control, try to say healthy environment, healthy food habits. और वो सिर्फ आपके लिए individually नहीं होना चाहिए, बच्चे के लिए individually नहीं होना चाहिए, वो family का culture होना चाहिए, right? अगर आप dining table पे हैं और if you want your child should have a salad before meal, then everybody should have. If you want you should have a soup before meal, then everybody. And please serve to the child also and same food. मेरे पास एक मदर का केस आया था, उन्होंने बोला था हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता. क्यों? क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पे बाकी सब लोग नॉर्मल फूड ईट कर रहे हैं, चपाती, वेजिटेबल, राइस, बट उसके लिए सरलेक आ रहा है, मैश पोटैटो आ रहा है उसके लिए, उसके लिए उन्होंने दलिया उपमा बनाया. क्यों? क्योंकि वो बच्चा 2 years 7 months का था, 2 years 7 months ओल्ड बेबी कैन हैव नॉर्मल फूड. तो मेक श्योर वट एवर यू आर हैविंग इट, प्लीज योर चाइल्ड शुड हैव सेम थिंग. और उसके साथ उसको लेस स्पाइसेस दें, सो दैट उसको लगेगा इट इज़ अ नॉर्मल टू हैव दिस काइंड ऑफ फूड. फूड यू कैन यूज़ इट एज अ वेरी यू नो गुड क्वालिटी टाइम, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद योर चाइल्ड एट दैट मोमेंट. ट्राई टू शेयर योर डे एक्सपीरियंस विद द चाइल्ड, आज हमने दिन में ये करा, ऐसा हुआ, ताकि आपके बच्चे को भी आपके साथ ऐसे मिले टाइम स्पेंड करने की हैबिट डेवलप हो जाए, जिससे वो जंक से दूर रहेगा. यू आर द बॉस व्हाट इज एंटरिंग इन योर हाउस, राइट? अगर आपके घर में जंक फूड नहीं आता तो आपके बच्चे को जंक फूड के बारे में नहीं पता होगा. अगर आपके घर में कोक रेगुलर आती है, आप लोगों को खाना खाने के साथ रेगुलर कोई ड्रिंक चाहिए, तो इट इज़ नॉट एट ऑल योर चाइल्ड हैबिट्स, इट इज़ फैमिली हैबिट्स, राइट? अगर आप चाइना साइड जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे एवरीबडी इज हैविंग अ हॉट वाटर और अ ग्रीन टी विद अ मील. और अगर आप व्हाट यू कॉल अमेरिका साइड, यूएस साइड जाएंगे, वहाँ एवरीबडी इज हैविंग आइदर कोल्ड कॉफी और अ कोक विद मील, राइट? बट इंडिया में हमारे जो सही तरीके से खाने को कहते हैं कि फूड के हाफ एन आवर तक आपको पानी नहीं लेना चाहिए. आप सब ये हैबिट डेवलप करें, आपके बच्चे में भी ये हैबिट्स आएंगी. एंड सम टाइम टू हैव ट्रीट इज एब्सोल्युटली ओके, सम टाइम टू हैव आइसक्रीम इन अ ब्रेकफास्ट, सम टाइम टू हैव नूडल्स, राइट? इट इज़ ओके, बट घर में स्केड्यूल बना दें कि आप वंस इन अ वीक इट इज़ ओके टू हैव, बट डोंट मेक इट अ हैबिट. तो ये हैबिट जो है हमारी चाइल्डहुड से, till from the time your child have solid food till the time your child is in teenage. तो आप लोगों को देखना है कि आपने क्या करना है. कुछ मदर्स तो बहुत अच्छी हैं, इवन ब्राइब तक कर देती है बच्चों को ओवर ईटिंग कराने में, हम आपको ये करेंगे और कुछ थ्रेटनिंग कर देती हैं, अगर तुमने ये नहीं खाया तो दिस विल हैपन. प्लीज डोंट डू दिस जॉब, इट हैपेंस ना, इट हैपेंस. आई सी पेरेंट्स डूइंग इन फ्रंट ऑफ अस इन स्कूल. हां यस, इट डज हैपेंस. डोंट डू दिस. फूड is a thing but ma'am it comes with energy. एक concern है कि वो chips के लिए उसकी भूख पैदा हो जाती है, but जब हम दाल सब्जी रोटी लाते हैं तो उसकी भूख, the baby is not hungry anymore. Again gap. अगर आप उसको इवनिंग स्नैक देना है तो आप उसको एक प्लेटर, अब आपको पता है 5 to 6 के बीच में उसको कुछ चाहिए मंचिंग के लिए. ओके, डू वन थिंग, मेक अ प्लेटर, उसमें कुछ ग्रेप्स डाल दें, कुछ लीचीज डाल दें, कुछ चीज स्लाइसेस डाल दें, चीज क्यूब डाल दें, और हल्का सा टिन फॉइल का ब्यूटीफुल सा कोन बना के, मैंने ये ट्राई करा हुआ है, कोन बना के उसके अंदर 4 to 10 आप फ्रेंच फ्राइज डाल दे, फ्रेंच फ्राइज डाल दे, लेकिन उसने उसके साथ कितने सारे 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स खा लिए, चीज क्यूब कॉटेज चीज खा लिया, चीज स्लाइस खा लिया, जो हेल्दी है उसको कार्ब्स मिल गए, विटामिन मिल गए, प्रोटीन मिल गया. इट्स ओके टू हैव 4 to 5 चिप्स. ठीक है ना, प्लेटर बना देना उसको, गिव हिम लॉट ऑफ ऑप्शंस विच कलर्स, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दे, हनी स्प्रिंकल कर दे, वट एवर टेस्ट योर चाइल्ड लाइक्स. एंड वुड लाइक टू नो अबाउट टीनएजर्स नाउ. Teenagers who start from... I love teenagers. 13 to... She's an excellent coach for teenagers. I must tell you that. Teenagers, like, bilkul ab... Chote bache ko toh phir bhi hum thoda sa rule kar sakte hain, thoda sa mold kar sakte hain, bribe kar sakte hain. But a child who's 14 years old, aaj khane mein kya hai? Aur jaisi pata chala, that it's hari wali dal.
विद गोभी आलू. सो उनके चेहरे इतने से हो जाते हैं. आपका चेहरा कैसे होता है जब आप हमें तो पता है ना हमें खाना है. आई मीन नहीं आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो ना कर रहे हो ना ठीक है ना आप सोच रहे हो ना इसको लेकर. जब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जंक से हटकर नॉर्मल फूड पे आए तो प्लीज बी नॉर्मल फॉर द नॉर्मल फूड. आई विल गिव यू 2-3 टिप्स फॉर दैट. ट्राई टू गो फॉर अ शॉपिंग अलॉन्ग विद द चाइल्ड फॉर द फूड. वेजिटेबल्स जब भी आप पिक करने चाहें लेट हिम पिक सर्टन वेजिटेबल्स. टेल हिम मेक श्योर यू शुड पिक अप अ फ्रेश वेजिटेबल. यू नो व्हाट यू कॉल द ग्रीन वेजिटेबल या रेड पेपर येलो पेपर दिस काइंड ऑफ वेजिटेबल. पिक अप दोज सैलेड वेजिटेबल्स सो दैट यू कैन सर्व दोज कुक दोज एंड चिल्ड्रन विल रिलिश एंड इन्वॉल्व देम इन कुकिंग. यू कैन आस्क योर चाइल्ड कम ऑन लेट मी हेल्प टू स्प्रिंकल दिस थिंग लेट सर्व इन दिस काइंड ऑफ प्लेट. Come on, let's change. Fusion, children genuinely like fusion. You know, why teenagers don't like home food? Because home food is boring, Muskan. I agree, ma'am. But make it tasty, na? Make it tasty, make it colorful. Ye nahi ki hum tired hai ki hum colorful hi banayenge. Actually, we are always tired, so we don't feel like decorating it. आप चपाती को भी normal चपाती मत serve करें ना. चपाती के अंदर butter का grate करके डाल दें. उसके अंदर बॉटल कट जाने से मतलब है ना राइट. उसके अंदर कैरेट जाने से मतलब है ना. कैरेट के साथ आप ब्लूबेरी मैश कर दें उसको जूस पिलाएं राइट. एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा. एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में देरी. प्लस टीनेजर्स लाइक फ्यूजन टीनेजर्स लाइक चेंज टीनेजर्स वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स दे लव टू ईट जंक मोर. नो जंक इज टेस्टी. और दूसरी बात वो आपको चैलेंज करते हैं. आप बार बार उनको कहते हैं डोंट ईट दिस डोंट ईट दिस. हैव यू एवर प्रेज योर चाइल्ड व्हेन ही इज ईटिंग लेडी फिंगर. नो आई प्रेज हिम व्हेन ही ईट्स पिज्जा. आई सी बिकॉज़ ही और शी आल्सो गेट्स टू ईट पिज्जा. ठीक है. आई आल्सो गेट वन स्लाइस अनडाउटेडली व्हिच आई एम नॉट अलाउड अदरवाइज. But then yes, my this concern nahin, was teenagers ke liye try to make a schedule ki once in a week it is allowed. It is equal it is okay to have that right. But at the same time baki week ke time par aapne usko meal interesting dena hai. कोई टीनेजर गर्ल ऑयल लगा के स्कूल जाना पसंद करती है? क्यों? क्योंकि उसको चेंज पसंद है. वो हर चीज में ऐसे आप सिर्फ फूड का टॉपिक उठा रहे हो. वो डेली वो सेम ड्रेस पहनना भी उनको पसंद नहीं है. वो डेली अपने रूम को भी वैसे ही नहीं रखना चाहते. तो फ्रॉम जंक टू द हेल्दी द जर्नी इज वेरी ब्यूटिफुल. बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ जर्नी. यू कैनॉट से आई एम टायर्ड. यू कैनॉट से अभी मेरे पास टाइम नहीं है. यू कैनॉट से अभी यही खा लो बाद में देखेंगे. सॉरी Children don't accept excuses. They challenge you people that are you ready to go with me or not? Because aap wo school mein 8 hours bitane ke baad bhi shaam ko healthy mangte hain aur acha mangte hain. Aap kuch bhi junk ko healthy bana sakte hain. Agar unko potato chips pasand hai to aap sweet potato ka kuch banate hain which is very healthy. Agar unko cheetos kurkure pasand hai because unko strip pasand hai unko handy cheeze pasand hai aap unke platters handy kar do. We can put chopped vegetables on कुछ भी स्प्रिंग अनियंस ये वो आप उसके ऊपर सैलेड ड्रेसिंग्स डालें आप उसके ऊपर फ्रूट्स डालें. योर आइडिया दैट वी मस्ट गो टू शॉपिंग अलोंग विद दैट वेजिटेबल स्पेशल. यस पिक व्हाटएवर यू वांट टू आई विल कुक दैट. आई विल क्रिएट अ फ्यूजन ऑफ दैट चाइनीज इंडियन. यू नो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं इसको ईट करने. लेट्स नॉट क्रिएट. अभी कभी कभी बच्चों से डाइनिंग टेबल सेट कराएं. लेट देम हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्विजीन एट होम. Ma'am, we have a few viewers who are asking us a question. Poonam Kalraji is asking, my son only like aloo, French fries, rajma, chole rice and dal makhani. I mean, he likes the elite food, I suppose. And he don't like junk food and he doesn't like to eat anything else except these things. Just aloo, French fries, rajma, chole rice, dal makhani. There are many kids like this, jo limited 4-5 hi cheeze khate hain. So, aap aloo mash kar rahe hain? आलू के आप उसके लिए बनाएं उसको डिक करें उसके अंदर रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल है उसको ग्रेट करें उसमें डालें और उसको फ्राई करके दे दें उसके साथ वो खाएगा. वो तो आलू का फ्लेवर है. उसके बाद आप उसको आलू की परांठी बनाएं उसके साथ बाकी वेजिटेबल्स ग्रेट करके डाल दें वेजिटेबल परांठा बन जाए. वेजिटेबल खिलाने से मतलब है ना. ठीक है ना. अगर उसको राजमा पसंद है तो राजमा किसको बोलो आज मैं आपको कटलेट बना कर देती हूँ तो उसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स भी आप डाल दें. इट इज ओके टू हैव बट एट द सेम टाइम इफ यू वॉन्ट द चिल्ड्रन टू हैव अ वेजिटेबल विच यू आर ईटिंग ask them to eat with you or you eat with them. Make dinner time a family time. Share one meal. The family who eats together stays together.
right? And at the same time, one very important thing which I want to share with you, हमार कहा जाता है जो हम खाते हैं वो हम होते हैं, जैसा अन्न वैसा मन. तो please make sure, whenever you are cooking food for your children, try to give very good blessings and a positive energy to your children. It will make the difference. Whatever problem you people are facing with your children, try to solve those problems while cooking. This can be a great tool. If your child is some chip teacher, parent says it's hyperactive, yeah, it's a very slow learner, so give him blessings or give him a lot of good positive energy ki with this food, the child will be okay. Does it work? It works wonders. Try this. Just try this for 1 week and it will work wonders. Mm-hmm. And not only with the children, you can try with anyone this thing. So nice of you, ma'am. I hope you liked our live video. We would like you all to like, comment, share, so that we reach maximum number of people, so that we can tell public that only a happy parent can nurture a happy child. Because every child matters. Matters. Thank you so much. But at the same time, I want to tell you that just giving good food to your child does not show that you are a good mother. It is your responsibility, but it is not your headache. It should not become. अगर घर में आपको ये कहा जाता है कि अगर इसने अच्छे से खाना नहीं खाया तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी बिजनेस की वजह से वो कमज़ोर रह गया या तुमने इसका ध्यान नहीं रखा इसलिए ऐसे हुआ, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली. मदर्स इन्जॉय योर मदरहुड एंड लेट हिम इन्जॉय हर childhood. Thank you so much. Thank you. Take care.